वस्तु नहीं, घर के उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं। हम उन वस्तुओं का नाम संस्कृत में पढ़ेंगे कि उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आसंदीका लेकर आइए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आसंदीका क्या है। आसंदीका, ये आपसे कहे कि सम्मार्जनी दे दीजिए, तो आप सोचेंगे सम्मार्जनी क्या होती है। क्यों? क्योंकि आपको उसका अर्थ नहीं पता है, आपको नहीं पता कि आसंदीका किसे कहते हैं या सम्मार्जनी किसे कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं गृह उपयोगी वस्तुएं जिन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। पहला देखिए खटवा, खटवा का अर्थ होता है चारपाई। उसके बाद है व्यजनम, व्यजनम को क्या कहते हैं? पंखा। उसके बाद है आपका पात्रम, जिसे संस्कृत में कहते हैं बर्तन। उसके बाद है आपका आसंदिका, जिसका अर्थ होता है कुर्सी। उसके बाद है आपका सम्मार्जनी, जिसका अर्थ होता है झाड़ू। उसके बाद है आपका स्थालिका, जिसका अर्थ होता है थाली। उसके बाद है आपका रज्जू, जिसका अर्थ होता है रस्सी। उसके बाद है आपका घटिका, जिसका अर्थ होता है घड़ी। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था समय लेखनम, उसमें हमने क्या पढ़ा था? समय देखना, और उसमें ये शब्द आया था घटिका, जिसका अर्थ होता है घड़ी। उसके बाद है आपका उत्तर प्रच्छद, जिसका अर्थ होता है रजाई। उसके बाद है आपका पिठरका, जिसका अर्थ होता है कढ़ाई। उसके बाद है आपका अवकरिका, जिसका अर्थ होता है कूड़ेदान। उसके बाद है हमारा उपधानम, जिसका अर्थ होता है तकिया। उसके बाद है हमारा चमसह, जिसका अर्थ क्या होता है? चम्मच। उसके बाद है हमारा सोपानम, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी। उसके बाद है चालनी, जिसका अर्थ होता है छलनी। बहुत सारी छलनी आपके घर में है ना, जैसे मैदे की अलग है ना, आटा छानने की अलग, और भी बहुत सारे गेहूं और दालों की अलग अलग छलनी होती है, तो चालनी का अर्थ क्या होता है? छलनी। उसके बाद है आपका द्विचक्रिका, जिसका अर्थ होता है साइकिल। अब मान लीजिए आपके पापा घर में आए, तो आप क्या कहेंगे कि पापा मुझे क्या चाहिए? द्विचक्रिका। वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि द्विचक्रिका ये क्या है, है ना। और जब आप बताएंगे कि उसका अर्थ क्या होता है? साइकिल, है ना। द्विचक्रिका किसमें है? संस्कृत में। उसी तरह आप आपकी मम्मी से कह सकते हैं कि मम्मी सम्मार्जनी कहाँ है? आपकी मम्मी सोच में पड़ जाएगी कि सम्मार्जनी और क्या है। तो आप इस तरह इन्हें याद करके आसानी से क्या कर सकते हैं? उन शब्दों को याद कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि घर में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को हम क्या क्या बोलते हैं। एक बार फिर से हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है खटवा, क्या कहेंगे इसे? चारपाई। उसके बाद क्या है? व्यजनम, जिसका अर्थ होता है पंखा। फिर है पात्रम, जिसका अर्थ बर्तन। फिर है आसंदिका, जिसका अर्थ होता है कुर्सी। उसके बाद है सम्मार्जनी, जिसका अर्थ है झाड़ू। उसके बाद है स्थालिका, जिसका अर्थ होता है थाली। और रज्जू, जिसका अर्थ है रस्सी। और उसके बाद है आपका घटिका, जिसका अर्थ है घड़ी। उसके बाद है आपका उत्तर प्रच्छद, जिसका अर्थ है रजाई। और पिठरख, कढ़ाई। अवकरिका, कूड़ेदान। उपधानम, तकिया। चमसह, चम्मच। सोपानम, सीढ़ी। चालनी, छलनी। और द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। तो इस तरह से हमने क्या देखा आज? कुछ गृह उपयोगी वस्तुएं जिन्हें संस्कृत में हम क्या कहते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें। धन्यवाद।